दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि घर बैठे कैसे अपना बिजली का बिल कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ यूपी वालों के लिए है, यूपी में कैसे घर बैठे अपना बिजली बिल कैसे चेक कर सकते हैं मोबाइल से कि अपना बिल कितना आता है कितना नहीं आता है। तो इसलिए हमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मोबाइल ओपन कर लेना है। इसलिए देखिए दोस्तों, मैं मोबाइल ओपन कर लिया हूँ। यहाँ सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आपके जाना है। देखिए क्रोम ब्राउज़र पर हम आ चुके हैं, इसको आप ओपन कर चुके हैं। इसको मैं हटा लेता हूँ, मैसेज आ गया है। चलिए यहाँ आपको क्या सर्च करना है, यहाँ आपको सिंपली सी UPPCL इतना डाल करके आपको देखिए आ गया है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आ गया। इसी को आपको इसे क्लिक कर देना है। देख लीजिए ऑप्शन आगे बढ़ गया, बस इसमें क्या देखिए ऑप्शन आ गया है वेलकम टू उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको देख लीजिए हमारी वेबसाइट खुल गई है। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिख आ रहा है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लिख के आ रहा है। बस सिंपली आपको नीचे आ जाना, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी का भी फोटो आ गई है। देख लीजिए यहाँ आपको क्या है, अगर आप शहरी से हैं तो वाहन पर दबाना है, अगर आप गाँव से हैं तो रूरल पर। तो मैं गाँव से हूँ, गांव से ही बताऊंगा, उसके बाद आपको शहरी से भी बता दूंगा। मैं इससे सिंपली आपसे गांव से क्लिक करता हूँ रूरल पर। इसलिए मैं क्लिक कर जो हूँ यहाँ से, देखिए अभी 15 अगस्त के आज़ादी का महोत्सव मनाया गया था। देखिए अभी आपसे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, कट कर दिया यहाँ से। उसके बाद देखिए इसमें आपका क्या, इसमें आपका आ जाना है OTS पर। इसमें आपका बिल भुगतान बिल देख के यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए मैं क्लिक कर दिया हूँ। आप यहाँ आपको क्या कहते हैं अकाउंट नंबर आपको, जब आप कनेक्शन लिए होंगे अकाउंट नंबर आपको मिला होगा या तो फिटिंग कराए होंगे तो उसमें आपका अकाउंट नंबर होगा। देखिए मैं एक अकाउंट नंबर इसमें डाल के आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैं 3 अकाउंट नंबर इसमें डाल के देख चुका हूँ। तो मैं ऊपर वाले एक ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ आपको बताने के लिए, एग्जाम्पल के लिए। देखिए क्लिक करके देखिए मैं चैप्टर कोड फील्ड कर दे रहा हूँ। इसमें चैप्टर कोड देखिए मैं 27E90। इसके बाद मैं सबमिट कर दे रहा हूँ। देख लीजिए मैं सबमिट कर चुका हूँ, प्रोसेस बढ़ रहा है मेरा। देखिए लग रहा अपना पेस्ट नहीं बन। देखिए दोस्तों मैं अभी इनका देखिए बिल एकदम जीरो बता रहा है। अभी 8 जून को ये पेमेंट किए हैं, बिल जमा किए हैं। यहाँ से देखिए अभी कोई बिल नहीं बना है। यहाँ से आप देख लीजिए नाम दिखा रहा है, देखिए कितने जमा किए हैं। यहाँ से आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका प्रिंट भी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कितना आपका क्या GST कितना लगा है, कितना आपको बकाया बिल है, कितना क्या है, इसमें आपको पेमेंट करना मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ पर बैक हो जाते हैं। अगर आप प्रोसीड कर सकता है तो आप यहाँ पर दिखा रहा है कि व्यू प्रिंट रिसीव, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर देख लीजिए ये रसीद मैं दिखा रहा है। देखो रसीद मैंने 21 जून 22:03 इसको मैंने अपना बिल पे किया था। वहाँ देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे, अगर आप ये रिसीव डाउनलोड करना चाहते प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ देखने चाहिए कहा प्रिंट दिस ऑनलाइन, यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से बैग खो सकते हैं। दोस्तों इसी तरह आप अन्य लोगों को भी देख सकते हैं, यहाँ से आप बैग भी हो सकते हैं। इसीलिए आप लोग दोस्तों अन्य लोगों को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। RN देहाती ब्लॉग से मेरा चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट।